एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव पुनर्बहाल। जी हां, लगातार रेलवे प्रशासन यात्रियों की सुविधाओं के लिए अनेकों प्रयास करता रहता है। रांची सासाराम, रांची बनारस एक्सप्रेस समेत 9 ट्रेनों का होगा मोहम्मदगंज स्टेशन पर ठहराव। आधारभूत संरचना के विकास कार्य को देखते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल के गढ़वा रोड और चपला रेलखंड पर स्थित मोहम्मदगंज स्टेशन पर अब दिशा के कुछ ट्रेनों का ठहराव अस्थायी रूप से 25/10/2023 तक वापस किया गया था, लेकिन कार्य 20/10/2023 को पूरा हो जाने तथा दिनांक 21/10/2023 से रेलवे ट्रैक ट्रेन परिचालन हेतु फिट घोषित किए जाने के उपरांत अब दिनांक 22/10/2023 से मोहम्मदगंज स्टेशन पर अब दिशा की उन ट्रेनों के ठहराव को नई समय सारणी के साथ पुनर्बहाल किया जा रहा है। इसकी जानकारी आपको बता दें, मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार ने दी है। आपको मैं बताऊं क्या क्या विवरण है उसका, कौन कौन सी ट्रेन है। जी हाँ, ट्रेन नंबर 13347 बरका गाना पटना पलामू एक्सप्रेस या ट्रेन मोहम्मदगंज स्टेशन 2:25 पर पहुंचकर 2:27 पर आगे के लिए प्रस्थान कर जाएगी। जी हाँ, उसके बाद है ट्रेन नंबर 18311 संबलपुर बनारस एक्सप्रेस या ट्रेन मोहम्मदगंज स्टेशन 4:02 पर पहुंचकर 4:04 पर आगे के लिए प्रस्थान करेगी। ट्रेन नंबर 18611 रांची बनारस एक्सप्रेस या ट्रेन मोहम्मदगंज स्टेशन 4:02 पर पहुंचकर 4:04 पर आगे के लिए जाएगी। ट्रेन नंबर है 18635 रांची सासाराम एक्सप्रेस या ट्रेन मोहम्मदगंज स्टेशन 10:32 पर पहुंचकर 10:34 पर आगे के लिए प्रस्थान करेगी। जी हाँ, ट्रेन नंबर 03359 बरकाकाना वाराणसी पैसेंजर स्पेशल या ट्रेन मोहम्मदगंज स्टेशन 9:43 पहुंचकर 9:45 पर आगे के लिए प्रस्थान करेगी। ट्रेन नंबर 03363 बरवाडी देहरी ऑन सोन पैसेंजर स्पेशल या ट्रेन मोहम्मदगंज स्टेशन पर 19:54 यानी 7:54 पर पहुंचकर 19:56 यानी 7:56 पर आगे के लिए प्रस्थान करेगी। तो आपको बता दें, लगातार रेलवे प्रशासन यात्रियों की सुविधाओं के लिए कटिबद्ध है और अनेकों प्रयास करता रहता है, किसी को कोई प्रकार की दिक्कत परेशानी न हो। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।